वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का मेरा जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम 12th क्लास फिजिक्स के लिए, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें जो स्थिर विद्युत का पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र आवेश के बारे में, उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कूलम्स लॉ पर डिस्कशन किया था। कूलम्स लॉ के आगे कई स्टडी इस पार्ट में आप देखेंगे। तो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आवेश का कॉन्सेप्ट हमने देखा और अब हम देखेंगे उसका क्षेत्र। विद्युत आवेश कूलम्स लॉ पढ़ा, अब हम देखेंगे उसका क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए, वैद्युत या विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं? नेचुरली आपको नाम से स्पष्ट है कि क्षेत्र का मतलब होता है आसपास का एरिया। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, सपोज हमारे पास कोई आवेश है, ठीक, मैंने सपोज ये एक धन आवेश लिया, तो धन आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक लिमिटेड एरिया तक, एक निश्चित सीमा तक अपना एक क्षेत्र बनाएगा। ये जो मैंने जो एरिया कवर किया है, एरिया यहाँ पर घेरा हुआ है, वहाँ तक इस आवेश का प्रभाव है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र कहेंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत का प्रभाव होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अभी मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र है। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, इंग्लिश बोला जाता है इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, वो है एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश क्या होता है, देखिए, एकांक धन आवेश नाम से स्पष्ट है, एकांक मतलब उसका, उस आवेश का तीव्रता कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, आवेश का मान एक होना चाहिए, और किस तरह का आवेश होना चाहिए, उसको धन आवेश होना चाहिए। तो इकाई तीव्रता के धन आवेश को हम एकांक धन आवेश कहते हैं, और वास्तव में क्या है, यह एक परीक्षण आवेश है। इसको परीक्षण आवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की का परीक्षण करते हैं। अब देखिए, ये मैंने बताया विद्युत क्षेत्र है, अब सपोज इस विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि क्या है, परीक्षण आवेश है, और इस पर आवेश जो है वो सपोज क्या है, क्यू है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य क्या आएगा, एक बल लगेगा, ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है, एकांक धन आवेश है, ठीक है, इसको आप प्लस वन लिख सकते हैं या फिर उसका मतलब ही वही है। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, मतलब किसी आवेश और एकांक धन आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, उस बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बल ही है, लेकिन कैसा बल है, जो किस पर लगता है, एकांक धन आवेश पर लगता है। अब हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि एफ इक्वल टू होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो दूसरा आवेश है वो क्या है, इकाई है। तो यहाँ पर यदि हम क्यू टू को इकाई मान लें तो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और क्यू वन को हमने लिख दिया क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दूसरा आवेश क्या हो गया, इकाई हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस कंडीशन में ये जो बल है, अभी ये बल था, अब जैसे ही दूसरा आवेश इकाई होगा
तब हम इस बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे और इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, ई से। क्लियर? तो यहां पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। आगे हम यदि इसको और सॉल्व करना चाहें, दूसरे रूप में लिखना चाहें, तो सपोज मैं इसके दोनों पक्षों में क्यू का गुणा कर रहा हूं, तो यहां मैं क्यू का गुणा करूंगा तो हो जाएगा क्यू इंटू ई इक्वल, यहां पर भी क्यू का गुणा कर दूं तो हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, या मैंने क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज क्यू नॉट इंटू ई इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं अगेन ये क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा, क्योंकि हम इसको एफ लिख सकते हैं। क्लियर? तो देयरफॉर क्यू नॉट इंटू ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ। तो बल बराबर आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्लियर? तो ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे, या इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो एफ अपान क्या हो जाता है, क्यू नॉट। और यहीं से हम इसका परिभाषा बनाए हैं क्या, कि यदि क्यू नॉट इकाई हो तो उस कंडीशन में E बराबर क्या होता है, F। और इसी परिभाषा को हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि एकांक आवेश, यदि एक आवेश एकांक हो इकाई हो तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट का आपके चैप्टर में मैक्सिमम यूज होने वाला है, तो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जितने स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते उनको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ इसको मैं, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ड सुनने को मिले तो तुरंत आप समझना कि वह एक बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में क्या है, एक बल ही है, लेकिन किस प्रकार का बल है, जो एकांक आवेश पर लगता है। यदि किसी भी आवेश पर लगे तो क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है। यदि एकांक आवेश पर लगे तो हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यदि हम इसका टू द पॉइंट डेफिनेशन, इसका परिभाषा कहें तो कैसा कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, मतलब उस पर जितना बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है सीधा सीधा एकांक आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर? अब देखिए क्षेत्र में जो हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं विद्युत बल, विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं अपन किसे कहते हैं, देखिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा का मतलब है, यहां पर आप देखिए एक चित्र बनाता हूं मैं, सपोज ये एक प्लस क्यू आवेश है और ये एक माइनस क्यू आवेश है, ये दो आवेश है अपने पास और दोनों मिलके यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। अब सपोज हम इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एकांक धन आवेश को रखते हैं, ये जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, इसको यदि मैं रखा तो ये आवेश क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस प्रकार से यदि हम इस एकांक धन आवेश की स्थिति को बदलते जाएं तो हमको प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच में बहुत से इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे जिस पर वो जाएगा, इस तरह से बहुत से हमको पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे, और ये पूरे पॉइंट्स को मिला दें तो हमको इस तरह से कर्व मिलेगा, एक वक्र मिलेगा ये, जो धन से स्टार्ट होगा और ऋण में जाके समाप्त हो जाएगा। तो ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व देख रहे हैं उन्हें ही कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाओं का परिभाषा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जिस मार्ग पर गमन करता है या जिस पथ पर चलता है, वह पथ या उन बिंदुओं से मिला जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर? तो विद्युत बल रेखाएं वास्तव में क्या होता है,
इसके यदि हम गुण पर डिस्कस करें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, उनके गुण लिखो, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्लियर। तो विद्युत बल रेखाओं के सबसे पहला गुण है जो आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब विद्युत बल रेखाएं धन से स्टार्ट होकर माइनस में समाप्त हो जाती हैं और माइनस से होकर धन में नहीं आती। तो विद्युत बल रेखाओं का पहला प्रॉपर्टी यही है कि ये एक खुला वक्र होती है, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, बाद में अपन चुंबकीय बल रेखाओं पर भी डिस्कस करेंगे चुंबक के चैप्टर में। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी आप देखिए कि ये जो बल रेखाएं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो जहाँ पर बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जहाँ पर बल रेखाओं की बहुत संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहाँ पर रेखाएं सघन होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। मतलब जहाँ पर ये सघन होती हैं, तीव्रता अधिक होती है। तीसरी हम बात करें तो ये जो विद्युत बल रेखाएँ हैं, सपोज हम एक और विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निर्मित करें, तो उनकी बल रेखाएँ इस प्रकार से हो जाएंगी। और ये दोनों विद्युत बल रेखाएँ हैं वो क्या करती हैं, लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं या लंबवत आकर्षित करती हैं। इनमें लंबवत आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, लंबवत आकर्षण या लंबवत प्रतिकर्षण होता है, क्लियर। इस प्रकार से लंबवत प्रतिकर्षित करेंगे या तिरछा नहीं करती, दैट मीन्स। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे सपोज हमको इस पॉइंट पर यह विद्युत बल रेखा है और विद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर यदि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो यहाँ पर खींचना पड़ता है स्पर्श रेखा, क्लियर। दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में होती है। मतलब ये जो तीव्रता है, तीव्रता की जो दिशा है वो किस दिशा में होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, स्पर्श रेखा दिशा में होता है। ये इसका फोर्थ नंबर का पॉइंट है। और फिफ्थ नंबर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्लियर। जैसे ये एक बल रेखा है, ये एक बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है, तो यहाँ पर हमने दोनों को काट दिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। मतलब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये जब भी एग्जाम में पूछता है तो उसको कारण सहित पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, क्लियर। तो यहाँ पर हम कारण स्पष्ट करते हैं इसका। देखो सबसे पहले जब हमको ये पूछेगा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, तो क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे ये सपोज पहली विद्युत बल रेखा है, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है। अब मान लेंगे कि माना कि दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, माना कि दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये इस पहले बल रेखा के लिए यहाँ पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहूँ तो ये इसकी दिशा होगी, और दूसरे बल रेखा के लिए यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहूँ तो ये इसकी दिशा होगी। मतलब ये जो कटान बिंदु है ये दोनों रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस विशेष बिंदु पर जो कि कटान बिंदु है, वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि जानना चाहें तो हमको दो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। और हम मैथमेटिक्स से, हम गणित के अवधारणा से जानते हैं कि एक बिंदु पर एक और केवल एक, एक और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से यह कहना कि विद्युत बल रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं क्या है, वो गलत है। तो हमारा यह मानना कि विद्युत बल रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं वो गलत है, क्लियर। तो ये जो पांचवा नंबर का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, तो आप कारण क्या लिखोगे, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, जो कि संभव नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम, माने स्थिर वैद्युत बल, और न्यूटन ने एक नियम दिया था आप 11th क्लास में पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तुलना करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में क्या तुलना है। तो स्थिर वैद्युत बल, इसको बोला जाता है स्थिर
वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना दोनों बलों की तुलना स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना ये किस तरह की बात है देखिए ये सपोज ये कोई न्यूक्लियस ये एक एटम है इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज धन आवेशित कर प्रोटॉन है ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है इसके कक्षा में चक्कर लगा रहा है क्लियर अब चूंकि ये दोनों विपरीत आवेश हैं तो इन दोनों के बीच में एक बल लगता है सपोज उस बल को मैंने कह दिया एफ ई ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत के कारण लगने वाला बल क्लियर लेकिन ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भी होते हैं तो द्रव्यमान के कारण भी यहाँ पर जो बल लगेगा द्रव्यमान के कारण यहाँ पर जो बल लगेगा सपोज इनके बीच में लगने वाला जो बल है एफ एम लिख दिया मैंने एम फॉर मास तो इनके विद्युत के कारण लगने वाला बल और इसका द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल दो बल हो जाएगा ठीक है बात को थोड़ा ध्यान समझेंगे ये एक एटम है इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अब चूंकि ये धन आवेश है ये ऋण आवेश है तो कूलाम के नियम के अनुसार से इस धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होगा आकर्षण बल होगा तो उनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लेकिन चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भी होते हैं तो न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है तो यहाँ पर न्यूटन के अकॉर्डिंग भी द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल होगा तो इस टॉपिक में हमको तुलना करना है कि स्थिर विद्युत बल जो कि कूलाम ने दिया था और गुरुत्वाकर्षण बल जो कि न्यूटन ने दिया था इन दोनों में किस प्रकार का हम कंपेयर करते हैं ठीक है तो एक मैथमेटिकल टॉपिक है सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिर विद्युत बल मतलब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एफ ई ये ध्यान रखना ई जो मैं छोटा सा ई लिखा हूँ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू क्यू पी मतलब प्रोटॉन पर आवेश और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं एफ ई इक्वल 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ और क्यू ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻⁹ और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है तो 1.6×10⁻⁹ बस एक में धन आवेश होता है एक में ऋण आवेश लेकिन दोनों का परिमाण क्या होता है सेम और अपान हो जाएगा आर स्क्वेयर ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट क्लियर तो ये हमने लिख लिया दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला विद्युत बल अब हम देखते हैं तथा एफ एम मतलब उनके द्रव्यमान के कारण ठीक है इनके द्रव्यमान के कारण या इसको हम कह देते हैं सपोज आपको समझने के लिए इसको एफ जी कह देते हैं ग्रेविटेशन के थ्रू सिंबल को अपने हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं यह एफ जी कह दिया मैं एफ जी मतलब ग्रेविटेशन के कारण लगने वाला बल ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगने वाला बल जी माने ग्रेविटेशन लगने वाला बल तो न्यूटन ने क्या नियम दिया था इसका नियम दिया था कैपिटल जी एम इलेक्ट्रॉन का मास गुणित एम पी प्रोटॉन का मास और बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग आर स्क्वायर अब यहाँ पर इसके वैल्यूज पुट कर दें अपन दैट इक्वल कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67×10⁻¹ ये आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1×10⁻³¹ kg ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67×10⁻²⁷ और अपान आर स्क्वायर ये हो गया रिलेशन नंबर टू तो हमने रिलेशन वन में निकाल लिया विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला बल क्लियर और रिलेशन टू में निकाल लिया ग्रेविटेशन के कारण अब चूंकि हमको दोनों का तुलना करना है तो हम क्या करते हैं एक में दो को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड फर्स्ट में यदि हम सेकंड को डिवाइड कर दें तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा अपने को एफ ई अपॉन एफ
जी इक्वल, यहां पर आप ध्यान देंगे, अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यूज पुट अप करके वहां पर इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं, बहुत टाइम टेकन है, तो आप उसको डेटा को याद कर लेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद आता है ये नियर अबाउट लगभग 2.27 × 10⁻³⁹, ये वैल्यू अपने को अप्रॉक्स मिलता है। क्लियर, दैट इंप्लाइज इसको आगे हम सॉल्व कर लें तो एफ ई इक्वल टू हो जाएगा 2.27, यदि हम इस क्वांटिटी को इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल मान लें तो हो जाएगा एफ जी इंटू 10⁻³⁹। तो यह एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है दोनों में। यह रिलेशन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो विद्युत बल होता है, वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका 10⁻39 गुना होता है। क्लियर, 10⁻39 गुना होता है। इस प्रकार से स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना करें तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो बल है उसमें विद्युत बल बहुत अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन में ये बहुत अधिक होता है। कितना होता है? 10⁻39 गुना अधिक होता है। तो ये एक तुलना है जो स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करता है। क्लियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है, इसका वेटेज 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आसपास आता है कि इस दोनों की तुलना कीजिए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, अब हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर, अलग अलग स्थिति पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला कंडीशन है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सियल पोजीशन। क्लियर, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि हम अक्षीय स्थिति कहते हैं किसको, है क्या करने जा रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और अलग से पढ़ा दूं, आप उधर अभी उसको बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए। यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, सपोज हमारे पास दो आवेश हैं, इनकी खासियत यह है कि प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, दैट मीन्स दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो सपोज 2L है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P बराबर होता है दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण जो कि Q है, ये Q, और इनटू गुणा दोनों के बीच की दूरी जिसको हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं 2L। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, जिसको हम P बराबर 2QL इस तरह से लिखते हैं, और आप ध्यान रखना यह क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, आवेश और यहाँ पर लंबाई अदिश राशि होने के बाद भी विद्युत द्विध्रुव को हम क्या मानते हैं, सदिश राशि मान के चलते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निश्चित होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है आवेश गुणित दोनों के बीच की दूरी, तो P बराबर होता है 2QL। अभी हमको इस कॉन्सेप्ट को इस कैलकुलेशन में यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको आपको पहले बताया, तो आप ध्यान रखेंगे
अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, पी बराबर टू क्यू एल। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार से करते हैं? देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं एक्चुअल में अक्षीय स्थिति होता क्या है। तो ये हम दो आवेश, जैसे भी मैंने विद्युत द्विध्रुव ध्रुव पर बात किया, ये सपोज ए बिंदु है और ये सपोज बी बिंदु है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और बिंदु पी पर माना कि माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। इनके बीच में ठीक सेंटर में एक उदासीन बिंदु है जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, वो क्या है, ओ है। ए और बी के बीच की दूरी को हमने मान लिया क्या, 12 मान लिया, ये दोनों के बीच की दूरी 12 है। और इसके मध्य बिंदु से अब अक्षीय स्थिति कहते हैं कि इसको, देखिए ये जो ए बी लाइन है, यदि इस ए बी लाइन को सीधा आगे बढ़ाया जाए तो ये जो हम आगे लाइन बढ़ाए हैं वही उसका अक्षीय स्थिति कहलाता है। मतलब इसको कहते हैं इसका अक्ष, एक्सियल पोजिशन। मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो उसकी अक्षीय स्थिति कहलाता है। अब इस टॉपिक में हमको क्या करना है, अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, ये अक्षीय स्थिति है और इसके किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। क्लियर? तो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक बिंदु है, ये बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है उस बिंदु पर हम मान लेते हैं एकांक धन आवेश, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो यदि हम यहाँ पर एकांक धन आवेश की कल्पना करें तो माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षण का बल है जो माइनस क्यू अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसको हमने कह दिया ई, चूंकि हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण है तो नीचे लिख दिया छोटा सा माइनस क्यू। मतलब ई माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, चूंकि यहाँ पर एकांक धन आवेश रखा हुआ है उसको क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करने का दिशा है इस तरह से और इसको हमने कह दिया E प्लस क्यू, ये E प्लस क्यू है। तो दो बल यहाँ पर लग रहे हैं, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू। अब हमको इस बिंदु पर क्या करना है, परिणामी तीव्रता की गणना करना है। तो हम बिंदु O से P तक के बीच की दूरी को, ये बिंदु O से P तक की दूरी को हमने मान लिया सपोज R, ये दूरी मान लो R है। अब यहाँ पर इस चित्र में देखिए, चूंकि मध्य बिंदु है तो O से B तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी 2L है। तो ये मध्य बिंदु है तो कितना हो जाएगा, L। तो ये फिगर आपको पहले क्लियर होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस करेंगे कि फिजिक्स का जितना भी डेरिवेशन है या फिजिक्स में जितने भी बड़े टॉपिक हैं उसमें आपको एक फिगर जरूर मिलेगा। और मेरा हमेशा से स्टूडेंट्स को ये कहना है कि यदि आपको फिगर का एक्सप्लेनेशन, जो चित्र उसमें बना हुआ है वो एक्सप्रेशन यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने स्टूडेंट्स डेरिवेशन में, डेरिवेशन मीन्स गणितीय गणना में जो प्रॉब्लम महसूस करते हैं उसके सिर्फ दो रीज़न है मेरे हिसाब से। पहला रीज़न है फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना कि यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू क्या है, क्या हो रहा है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है मैथमेटिकल टूल्स, मतलब गणितीय अवधारणा उसका पुअर होना, इसलिए गणितीय गणना को नहीं समझ पाता। तो आप लोग तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने 11th क्लास में गणितीय अवधारणा पढ़ा है। बाय द वे आपका गणितीय अवधारणा प्रॉपर नहीं है, आप ठीक से उसको नहीं पढ़ पाए हैं। तो मेरे गणितीय अवधारणा पर 5 वीडियो हैं जो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ता है तो फिजिक्स पढ़ने के लिए उसको जितने भी गणितीय सूत्र का, गणितीय अवधारणा का जरूरत पड़ता है उसके लिए मैंने स्पेशल 5 वीडियो उसके लिए बनाया है, जो आप उसको देख लीजिए। उसमें इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स के लिए आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस 5 वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। खासकर आप में से जो बायो के स्टूडेंट हैं, आगे चल के नीट की तैयारी करेंगे तो फिजिक्स में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है। जैसे आपको कैलकुलस पता नहीं होता, वेक्टर अलजेब्रा पता नहीं होता, तो यहाँ प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैंने 5 वीडियो उसके लिए स्पेशली प्रोवाइड कराया है जो कि फिजिक्स का बेस है। जब तक आप फिजिक्स को समझने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको आप अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम फॉर एवर बना रहेगा, आप इस प्रॉब्लम से उबर नहीं सकते। इसलिए
अभी से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले वो 5 वीडियो मेरे को बार बार आप देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको समझ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दो बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहला डेरिवेशन में फिगर पर कमांड होना चाहिए, दूसरा आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पर हम इसकी गणना करते हैं। हमारा काम क्या है, ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, एक ई माइनस क्यू का और एक ई प्लस क्यू का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ई माइनस क्यू। ई माइनस क्यू इक्वल टू क्या आएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी। तो माइनस क्यू के लिए दूरी क्या है, ये बी और पी, मतलब ये हो जाएगा बी पी स्क्वेयर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगा, देखिए पी से बी की ओर है तो पी बी, ये हो गया। दैट इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये जो बी से पी के बीच की दूरी है ये कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर, और ये दूरी क्या है एल, तो ये दूरी कितना हो जाएगा आर माइनस एल, तो ये हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया क्या, ई माइनस क्यू। इसी प्रकार से अब हम निकाल लेंगे ई प्लस क्यू। ई प्लस क्यू निकालेंगे तो ई प्लस क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, आप चित्र को देखिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके और पी के बीच का दूरी कितना है ए पी, तो दूरी हो जाएगा ए पी स्क्वेयर, और यहाँ पर इसकी आप दिशा भी बता दीजिए, तो दिशा क्या हो जाएगा इसका, देखिए दिशा ए पी, तो ए पी क्या है, ये दिशा है, मतलब वो क्या कर, उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो दिशा क्या है ए से पी की ओर है। यहाँ पर दिशा बताना बहुत जरूरी, ध्यान रखना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। दैट इक्वल, अब इसके मान को हम भर दें तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ए पी का मान क्या है अपने पास, चित्र में देखिए यह है ए पी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है एल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आर, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल, क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है, पर परिणामी तीव्रता निकालना है। यह तो हुआ माइनस पी आवेश के कारण, यह हुआ प्लस पी आवेश के कारण, लेकिन हमको क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता। तो इसलिए परिणामी तीव्रता, इसलिए परिणामी तीव्रता जिसको हम प्रदर्शित कर दिए ई बराबर, अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप थोड़ा यहां पर स्पेशल केयर करेंगे, ई माइनस क्यू की दिशा इस ओर है और ई प्लस क्यू की दिशा उस ओर है, मतलब दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, ठीक विपरीत है। और आपको मालूम है कि जब किसी पिंड पर दो बल एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वहां परिणामी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक में दूसरे को माइनस करना पड़ता है। तो हम किस में से किसको माइनस करते हैं, अधिक से कम को माइनस करते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू में अधिक बड़ा वैल्यू क्यों है, कौन सा है, तो नेचुरली यहां पर दिख रहा है, देखिए इसके बटे में आर माइनस एल है और इसके बटे में क्या है आर प्लस एल है। तो किसी भिन्न में जब हर की राशि बड़ी होती है तो भिन्न क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऐसे भी आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझिए तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर इनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरली कौन बड़ा है, ई माइनस क्यू बड़ा है। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई माइनस क्यू में माइनस कर देंगे किसको, ई प्लस क्यू को, माने ऋण आवेश के कारण लगने वाली जो तीव्रता है उसमें से प्लस के माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो रीजन बता सकते हैं कि ई माइनस क्यू ग्रेटर है किससे, ई प्लस क्यू से। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे, पूरा ये आपका फेयर नोट्स है, सिर्फ आपको यहाँ पर माना कि लिखना है, बस चित्र को एक्सप्लेन करना है, बाकी ऐसे लिखना है, हर चीज़ का रीजन बताते जाना है आपको, तभी आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेगा। दैट इक्वल, आगे हम इसको सॉल्व करें तो दोनों का वैल्यू अपन रखते हैं, तो इसका उसका वैल्यू रखें तो यहाँ पर देखिए क्यू और 1/4π εr दोनों में कॉमन है, यहाँ पर क्यू और ये कॉमन है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे 1/4π εr इंटू क्यू, और यहाँ से बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर,
माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? दैट इक्वल, अब देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां पर हम यदि इसका लघुत्तम निकालें तो लघुत्तम दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ, मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, सरल करें, तो आपको बीजगणित का एक फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। बीजगणित में इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गणितीय अवधारणा को अभी आपको बहुत पढ़ाई करना है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है, कैलकुलस का बहुत यूज़ होगा। तो आपको मेरा अगेन एंड अगेन सजेशन है, जितने लोग भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा सलाह है कि इमीडिएट आप पूरा काम छोड़ के सिर्फ मेरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के 5 वीडियो आप सर्च करिए मेरे चैनल पर, और उसमें आप उसको सबसे पहले देखिए, फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया है। एक एक टॉपिक पर मैंने एक एक वीडियो बनाया है, स्पेशली उसको इसीलिए बनाया है ताकि मेरे फिजिक्स के स्टूडेंट्स को मैथ्स का कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ई इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और मैंने आपको क्या बताया कि इसका वैल्यू कितना होता है, 4ab, तो क्या हो जाएगा 4RL, और अपान में यही होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? दैट इंप्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहां पर हम इसको एडजस्ट करते हैं, टू क्यू एल को अलग लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया 2R। देखिए ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, अपन ऐसा कर सकते हैं, 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, ये 4, और Q और L को, Q और L को अलग लिख लिया और वहाँ बच जाएगा R, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज E इक्वल, अभी हमने पढ़ा है 2QL, 2QL को मैंने क्या बताया, P, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या लिख सकते हैं उसको, P, तो हो जाएगा पहले कांस्टेंट को लिख लें, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है इसका फाइनल इक्वेशन, अंतिम समीकरण। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसका कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो कंडीशन है क्या, देखो, इफ 2L बहुत छोटा हो किससे, R से, 2L का मतलब क्या हुआ, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L, वो R, मतलब जितने दूर में आवेश रखा गया है उसके तुलना में बहुत कम है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर इस फार्मूला को अप्लाई करें तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, क्योंकि L की छोटा, L क्या है, R की छोटा बहुत छोटा है, तो यह हो जाएगा 0, तो R की घात 2 और 2, R का घात 4 हो जाएगा, तो E बराबर अपने को मिल जाएगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P, तो यहाँ पर क्या होगा, R का घात 4 है, एक R कटेगा तो R क्यूब। ये कंडीशनल फार्मूला है, स्पेशल केस है कि यदि क्या हो, ये कंडीशन हो तो विद्युत तीव्रता इतना होता है, तो ये होता है हमारा इस अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। क्लियर? अब इसका सेकंड टॉपिक है निरक्षी स्थिति, ठीक है, निरक्षी स्थिति जिसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूं आपको सारा स्टेप, क्लियर, कहीं भी आपको इस नोट्स को कॉपी करना है तो आप वीडियो पॉज करिए और उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पूरा मेरा फेयर नोट्स है, बुक्स में जो कैलकुलेशन दिया होता है बहुत लेंदी होता है, तो इसको आप नोट्स में कॉपी करिए। क्लियर? नेक्स्ट इज निरक्षी स्थिति, ये इसका सेकंड केस है,
ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राय आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, कॉम्पिटिटिव के लिए भी। दूसरा, निरक्षी स्थिति, इंग्लिश में बोला जाता है इसको इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति का मतलब क्या होता है, देखिए ये जैसे मैंने भी बताया, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये इसका मध्य बिंदु है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिसको हम प्रभावी लंबाई बोलते हैं, ये 2L है, और ये है इसका उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष मतलब होता है उदासीन बिंदु से होकर जाने वाला अक्ष। तो ये जो उदासीन बिंदु से होकर जाने वाला अक्ष है, उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना ही क्या कहलाता है, निरक्षी स्थिति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हम एकांक धनावेश मान लेते हैं, यहाँ पर एकांक धनावेश रखा हुआ है। तो अब ये जो एकांक धनावेश है उसको प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये प्रतिकर्षित करने का दिशा हो गया, और माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, अपनी और उसको आकर्षित करेगा, ये आकर्षित किया उसने। तो ये प्रतिकर्षण के कारण जो विद्युत क्षेत्र वहाँ पर उत्पन्न होगा, इस विद्युत क्षेत्र को हमने कह दिया ई प्लस क्यू, और आकर्षण के कारण हुआ उसको कह दिया ई माइनस क्यू। तो ये ई प्लस क्यू है, ई प्लस क्यू को आप छोटा सा लिखेंगे ऐसा। तो ये प्रतिकर्षण है, ये आकर्षण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज ये कोण थीटा है, तो ये क्या है, मध्य बिंदु है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब चूंकि ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ का जो कोण है ये बाह्य कोण होगा, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 2θ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो तीव्रता है, एक है ई माइनस क्यू, एक है ई प्लस क्यू, और इन दोनों का जो परिणामी तीव्रता है वो ये होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ई कहेंगे। तो ई यहाँ पर इसका क्या है, परिणामी तीव्रता है। तो फिगर आपको समझ में आ गया, देखिए ई प्लस क्यू इसके कारण तीव्रता है, ई माइनस क्यू इसके कारण तीव्रता है, माइनस क्यू के कारण, और ई क्या है, इसकी परिणामी तीव्रता है। और इस तरह से हम दूरियों को मान लें, मान यहाँ से यहाँ तक का दूरी हाफ है तो एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लिए, आर मान लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, पी ए ओ या ओ पी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण है, तो कर्ण का मान हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका सबसे पहले फिगर को अच्छे से समझना। तो ये फिगर आपको पूरा क्लियर होगा, यदि आपको फिगर समझ में नहीं आएगा तो कैलकुलेशन आपसे नहीं बनेगा, ये बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए फिगर पर कंप्लीट डिस्कशन जरूरी है। अब देखिए हम एक एक करके इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, देखिए प्लस क्यू के कारण ये प्लस क्यू है तो एस है पी, तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वेयर, और दिशा भी किधर होगा, एस है पी की ओर। ये दिशा लगाना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, और इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं अपन ई माइनस क्यू तथा ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यहाँ पर देखिए क्या है, पी बी, तो हैगा पी बी स्क्वेयर रिलेशन नंबर 2, और इसकी दिशा है पी से बी की ओर। क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, दैट इम्प्लाइज ई माइनस क्यू इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, इसका वैल्यू आप पुट अप नहीं करते, आप डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, छोड़िए इसको। अब देखिए चूंकि ए पी बराबर पी वी, फिगर में आप देखो
ये जो एपी दूरी है, एपी वो क्या है, पीबी के इक्वल है, क्योंकि यदि आमने सामने का कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब इन दोनों संबंध को देखिए आप, यदि ये जो एपी है वह यदि पीबी के बराबर हो जाए तो बाकी के वैल्यू तो पहले से ऑलरेडी बराबर है, तो पूरे के पूरे वैल्यू बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं ई प्लस क्यू इक्वल टू ई माइनस क्यू। तो दोनों तीव्रता क्या हो गए, आपस में बराबर हो जाए। ये ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू आपस में परिमाण में बराबर हो गए, केवल परिमाण में, दिशा में नहीं। इसलिए देखिए मैंने इसके ऊपर सदिश का चिन्ह ही लगाया है, दोनों परिमाण में बराबर है। और आपने 11th क्लास के मैथमेटिकल टूल्स में कांसेप्ट पढ़ा होगा। देखो बार बार मैं वही बात याद दिला रहा हूँ, 11th में पढ़ा होगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप वो 5 वीडियो जरूर देखिए। वहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं आपको। सपोज ये एक सदिश राशि ए है, एक सदिश राशि बी है, और दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। और यहाँ पर यदि ए बी के बराबर है, ये समांतर चतुर्भुज के नियम का कंडीशन है। 11th क्लास में सदिश में समांतर चतुर्भुज का नियम, उसका कंडीशन है। तो इसका जो परिणामी होता है R, ये जो परिणामी R होता है वह 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ये फार्मूला फिलहाल आप लर्न कर लीजिए। क्या क्या कंडीशन मैंने बताया, यदि दो सदिश थीटा कोण बना के कहीं लगे हुए हैं और दोनों सदिश परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा अलग अलग है, तो इनका जो परिणामी सदिश होता है R वह 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। देखिए ये सपोज ए है, ये बी है, और हमने ए को बी के बराबर बता दिया, और इसका परिणामी क्या है ई, वहाँ पर उसका परिणामी क्या है आर। इस फार्मूला को हम यहाँ पर लगा दें तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ, अभी इसी कैलकुलेशन को आप किसी दूसरे रिसोर्स से पढ़ेंगे, किसी बुक से पढ़ेंगे, किसी राइटर की बुक से पढ़ेंगे, तो आपको उसका बहुत लेंदी कैलकुलेशन मिल सकता है, ऐसा भी बता सकते हैं। और कई जगह 5 स्टेप 6 स्टेप का कैलकुलेशन को 10 स्टेप 15 स्टेप में भी आपको मिलेगा। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत से टूल्स हैं, जो टीचर प्रॉपर टूल्स यूज़ करता है उसके कैलकुलेशन ईजी होते हैं। टूल्स का मतलब होता है औजार, जैसे आपको किसी मशीन को बनाना है और उसको बनाने के लिए जिस तरह का आपको टूल्स चाहिए वो आपके पास है तो बहुत आसानी से बनाएंगे, और उस तरह का टूल्स नहीं है फिर आप जुगाड़ में बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फिजिक्स को भी समझने का सबसे बेस्ट आइडिया होता है वो है कि आपका जो मैथमेटिकल टूल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर टूल्स यूज़ कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा, अदरवाइज ये टूल्स यूज़ ना करूँ तो इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, फिर आपको यहाँ पर बहुत से कंपोनेंट्स निकालना पड़ेगा और बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। तो मैं ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो परिणामी R है तो E हो गया 2, और A मतलब दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पर कोई भी एक लिख देते हैं अपन, E प्लस क्यू माइनस क्यू भी लिख सकते थे, इनटू कास, और दोनों के बीच का कोण का आधा, तो दोनों के बीच यहाँ पर कोण कितना है 2 थीटा है, वहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 लिखे हैं, यहाँ पर कोण कितना है 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बाई 2। दैट इम्प्लाइज ई इक्वल टू 2 into E+Q का वैल्यू अपने पास है, ये इस वैल्यू के यहाँ पर पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा 1/4π ε0 और Q/, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, AP, और AP को हमने फिगर में लिखा है क्या, √R² + L², और उसमें यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे अपन डायरेक्ट इसको, R² + L² और इनटू, यहाँ ध्यान दीजिए ये 2 कैंसिल होगा तो cos थीटा बचेगा, और cos थीटा यहाँ पर क्या है, देखिए इस चित्र में देखिए, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है अपने पास L और कर्ण है R² + L² का रूट, रूट माने घात 1/2, अंडर रूट को घात 1/2 लिख सकते हैं, क्लियर। अब इस रिलेशन को हम सरल करते हैं, इसको हल करते हैं और इसका हम वैल्यू निकालते हैं, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये ई बराबर 1/4π ε0 और 2QL को एक साथ लिख लेते हैं तो हो जाएगा 2QL और बटे में कितना हो जाएगा, देखिए इसका घात 1 है और इसका घात 1/2, तो इसका आधार बराबर है तो गुणा होगा तो घात जुट जाएंगे तो 1 + 1/2 कितना 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये R²
प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2, दैट इंप्लाइज ई इक्वल टू 1/4πε0 2QL को क्या लिख सकते हैं अपन, P, तो P अपान हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 3/2। अब यहाँ पर ये जो मैंने फाइनल लिखा हुआ है ये इसका फाइनल इक्वेशन है, ये इसका फाइनल इक्वेशन है। यहाँ पर यदि हम कंडीशन अप्लाई कर दें, यदि 2L बहुत छोटा हो R से जैसे पिछले बार किए थे, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, और ये घात 2/3 में 2 के साथ कटेगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिए, अभी हमने जो फार्मूला निकाला किसमें, अक्षीय स्थिति में, वहाँ पर आपने क्या देखा उसको मैं कह रहा हूँ ई एक्सियल पोजिशन, तो ई ए कह रहा हूँ, ई ए मतलब अक्षीय स्थिति, और वहाँ पर यहाँ 2 लिखा था, दुगुना था, तो इसको मैं कह रहा हूँ क्या ई निरक्षी स्थिति को ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं, तो ई बी का दुगुना। तो क्या रिलेशन निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोगुना होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव में इस क्वेश्चन को पूछा गया है या कई बार न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है। तो ये हुआ अक्षीय स्थिति पर और निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो आज का मेरा जो लेक्चर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सेकंड पार्ट, इसमें मैंने कंप्लीट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसको कंप्लीट कराया, और अक्षीय स्थिति निरक्षी स्थिति इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से आप देखते रहिए मेरा वीडियो कंटिन्यूअस, मैं आपको हिंदी मीडियम में भी फिजिक्स के पूरे सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।